ओ जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद, स्मार्ट बॉय। ये क्या है? इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। पीछे छोड़कर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूं। हाँ, नहीं, अरे यार, लेकिन ये तो सफेद ही है। हे भगवान, ये तूने मेरे बालों पर सफेद कलम क्यों लगा दिया? अरे इतनी जल्दी आउटडेटेड मुझे मत बना भगवान। आजकल क्या हो गया है इनको, न ठीक से बात करते हैं न मुस्कुराते हैं। लेना एक लड्डू। ये शाम को मेरे लिए गजरा लाते हैं और न कहीं घुमाने ले जाते हैं। दीदी, ये शिकायत है या खुशखबरी? पता है, आजकल वो मुझे प्यार भी नहीं करते। पहले करते थे दीदी, उनके दिल में जितना भी प्यार है वो तो सारा ऑफिस में लुटा कर आते होंगे ना उस जुलबुली पर। तुमने कुछ ज्यादा ही दिल दे रखे है जीजू को। नहीं नहीं, बात कुछ और ही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। बहुत भूख लग रही है मुझे, बहुत। I'm healthy, how are you? जीजू, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आपके सर पे। क्या देखा मेरे सर पे? क्या देखा? बोलना, क्या देखा? आपके सर पे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां आ पड़ी। अच्छा, तुम जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। तो आप क्या समझे? नहीं नहीं नहीं, आप कुछ समझे? आप कुछ समझे? बोलो बोलो। नहीं नहीं समझे, नहीं नहीं कुछ नहीं। कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था कि आपके सर पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो थोड़ी जिम्मेदारियां हमें भी संभालने दीजिए। अब हमें मतलब सरू है, राजू है, मैं हूँ। क्यों, क्या तुमने मुझे बूढ़ा समझ रखा है? नहीं बोलो ना, क्या मैं तुम्हें थका हुआ घोड़ा नजर आ रहा हूँ क्या? फिर आप ऐसे पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहे हैं आजकल? और ये सर पे से ताज निकाले। नहीं 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 नहीं, उसे रहने दो, उसे रहने दो। हाँ, वो ठंड से बचने के लिए। जीजू, बालों में फटने। जीजू, क्या गड़बड़ है? हाँ, आजकल आपको ज्यादा ही टेंस लग रहा है। आजकल 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 क्या रेट लगा रखी तुम लोगों ने? आजकल आजकल आई एम ओके, एवरीथिंग इज नॉर्मल विद मी, नो प्रॉब्लम। इसमें तो किसी भी वजह से हो सकता है, विटामिन की कमी से, एलर्जी से, पोल्यूशन से, या फिर धूप से। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो क्या क्या किसके वजह ऑफिस का क्या कह रहे हो? नारायण जी, जनाब। नारायण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो जनाब, सारी बकवास सुनने की तो बकार लेता हूँ मैं। चुप है, इधर है नारायण।
फ्रेंड तू तो जानता है कि ऑफिस में एक अकेला तू ही तो है जिसे मैं अपना दुखड़ा सुना सकता हूँ। परसों जूली भी यही बात कह रही थी ना। जूली भी यही कह रही थी तुझसे? मेरा मतवाला जनाब, जूली भी यही कह रही थी कि दफ्तर में एक मैं ही हूँ जिसे आप अपनी सारी बातें खोल के बता सकते हैं जनाब। अच्छा 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 अच्छा, रोइए मेरा मतवाला कहिए जनाब। सुबह में जब मैं उठा तो पता मैंने क्या देखा? क्या देखा जनाब? महाराज मैंने अपने एक सर पे मैंने एक सफेद बाल देखा। देख 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 देख। पूरे जनाब मुबारक हो, जनाब मुबारक हो। आज से सारी दुनिया आपको बुजुर्ग कहेगी जनाब। मुझे अपने आप को बुजुर्ग कहलाने का कोई शौक नहीं है। आपको पूछता कौन है जनाब? हमारे गांव में तो बुजुर्ग कहलाने के लिए सफेद बाल होना बड़ा जरूरी है जनाब। नारायण तू समझता क्यों नहीं है कि मैं इतनी जल्दी बुजुर्ग नहीं बनना चाहता हूँ यार। कोई आइडिया बता। आइडिया? बाल तोड़ के फेंक दू? कल दूसरा निकल आएगा जनाब। क्या करूँ? छुपा कर रखो जनाब, स्पेशल करके अपनी लुगाई से। अच्छा? इन लुगाइयों को सफेद बालों से सख्त नफरत होती है जी। अच्छा? हाँ जनाब, हमारे पड़ोस में एक आदमी के एक एक करके सारे बाल पकने लगे जी। हाँ? तो उसकी घरवाली ने उसका सिर काट दिया जी। क्या बोल रहा है? हाँ, बोली ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, 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 इतनी तेज नहीं है। सर नहीं काटते की जनाब, पर आपको डिवोर्स तो दे सकती है जी। ऐसे आदमी के साथ कौन रहना पसंद करेगा जी जिसका मुंह काला हो और बाल सफेद हो। आपके नहीं कहने से सच्चाई बदल जाएगी क्या? तो क्या तुझे भी लगता है कि वो आधे से ज्यादा पागल हो गए? अरे अपने आप से बड़बड़ाना, हंसना, कभी अचानक चुप हो जाना, ये सब हमें दिखाई देता है ना? तुझे दिखाई देता है? हाँ? इसका मतलब तो वो जरूर पागल हो गए। लेकिन टीटू, इसका कोई इलाज तो होगा ना? इलाज 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 बतेरे है जनाब। कोई दवाई? हाँ, कोई तेल वगैरह? सबसे पहली बात जनाब कि अपने सर को किसी को हाथ मत लगाने देना, अपनी घरवाली को भी नहीं, इस बात का ध्यान रखना बस। अरे वही तो कर रहा हूँ मैं नारायण, ये सर को मैं ढक के नहीं रख रहा हूँ स्कार्फ से। तू इलाज बताना, कोई दवाई बता, कोई तेल वगैरह कुछ तो बता। हाँ वो सोच के बताऊंगा। 250 रुपए का चूना तो इसको रोज लगाऊंगा। अरे नारायण, अरे पता नहीं ये किस जन्म का पाप है जो मेरे सर सूख रहा है। पिछले जन्म में क्यों, इस जन्म में उन्होंने कम पाप किए हैं? उसी पाप की वजह से तो पागल हो गए वो। मतलब जूली उसी के पीछे बगला गए ना? हाँ। दीदी मुझे तो लगता है कहीं वो तुम्हें देखो दीदी वो सब तुम्हारे हाथ में। क्या है ना कि कुछ एक हद के बाद पति को अपनी बीवी बासी सब्जी लगने लगती। ये देखो इस तरह बासी होगी। लेकिन दीदी आइडिया क्या, तुम्हें फिर से जवान बनना पड़ेगा। जीजू को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा जिस तरह शादी के पहले फंसाया था। लेकिन क्या वो पुरानी गलती दोबारा दोहराएंगे? मर्दों की यही तो मजबूरी है, वो प्यार के मामले में पुरानी हिस्ट्री तुरंत भूल जाते हैं। इसलिए तो दुनिया पर औरतों का राज है। अच्छा, तो फिर से उनकी प्रेमिका बनना बहुत आसान है। इतना आसान ना है जनाब औरतों से सफेद बाल छुपाना, उनको पता चल ही जाता है। नहीं, यही तो मेरा इम्तिहान है नारायण। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, मैं किसी को पता लगने भी नहीं दूंगा, ना जूली को और ना रुक्मिणी को। नारायण, अरे नारायण मुझे आज पहली बार तुझसे जलन हो रही है रे, जलसी। वो क्यों जनाब? नारायण काश, नारायण काश, अरे काश मैं भी तेरी तरह गंजा होता।
इंतजार कर रही थी। माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने गलती से आपका दरवाजा खटखटा दिया। अरे कहाँ जा रहे हैं? अंदर आइए। मैं रुक्मिणी। रुक्मिणी तुम? आज इतना प्यार से तुम पेश आ रही हो। क्या हुआ? आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे कैसे पहचानेंगे दीदी, तुम 20 साल की जवान टीनेजर लग रही हो। क्यों जीजू? चल हट। गुड नो यार, एक सफेद बाल की वजह से मैं इतना बुढ़ा दिखने लगा हूँ कि मेरी बीवी मेरे सामने 20 साल की दिख रही है। चलिए अंदर चलिए, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। हाँ चलिए ना, चलिए 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 ना। वेरी गुड वेरी गुड, और भी प्यार का नाटक करना, और भी ज्यादा खूब खिलाना, ये सब खिला देना। दिल तक पहुँचने की सड़क पेट से गुजरती है। वो मान जाएंगे ना? माने तो चाहिए। डिवोर्स का ख्याल उनके दिल से निकल जाएगा ना? अब ये तुम्हारे हाथ में, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। चलो जल्दी करो माम। ये मैं बना है, इससे आपका बाल भी बांका नहीं होगा। बाल? बाल? कुछ नहीं हो सकता है मेरे बालों पे। क्या होगा मेरे बालों पे? हाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं खाऊंगा यार, मैं खाऊंगा। ऑयली को क्या हुआ, फिर भी खाऊंगा मैं। बोलो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको। नहीं 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 नहीं, रुक्मिणी देखो हमारा एक डिस्टेंस में रहना बहुत जरूरी है, समझी ना तुम? एक दूरी होनी चाहिए, दूरी क्या बहुत जरूरी है, दूरी। अरे अच्छा भाई याद आ गया, मुझे फोन करना है। नहीं मुझे फोन करना है, वो मैं सब बाद में खा लूंगा, बाद में खाऊंगा मैं। दीदी बाद में बचेगा नहीं ना। देखो देखो टिंटू, कहते हैं दूरी रहना जरूरी है, इन्होंने जरूर डिवोर्स देने का इरादा पक्का कर लिया मुझे। मत मत हारो, एक काम करो। आइडिया क्या? तुम ना जीजू को पुराने, बहुत पुराने लेकिन प्यार भरे दिनों की याद दिलाओ, उनकी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि वो जूली की सेवा, मेरा मतलब है पूरी की पूरी जूली को ही भूल जाए। हाँ। हे भगवान मुझे शक्ति दे, शक्ति दे भगवान। नारायण तू सच कह रहा था, उसे शक हो चुका है। हाँ अरे वो कुछ ना कुछ बहाना करके मेरे करीब आती है, और फिर बाल ढूंढने की कोशिश करती है। अब एक काम कर, तू ऐसा कोई उपाय बता जिससे सफेद बाल की बला हमेशा के लिए टल जाए। अरे यार मगर मैं इस मुसीबत से कैसे भी करके छुटकारा पाना चाहता हूँ, पता नहीं भगवान ने ये मुसीबत मेरे सर पे क्यों बिठा के रखी है। अच्छा अच्छा ओके ओके, तेल मालिश। अच्छा ऐसे तो अकाउंटेंट से ले लेना। ज्यादा ही नाराज है। अरे दीदी आज तो तुम जीजा जी को दिखाई दो। क्या? कि उस जुलबुली जूली से तुम ज्यादा अट्रैक्टिव हो। अरे तुम्हारे सामने तो वो कचरा है, कचरा है। ठीक है मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रुकू लाओ मैं तेल लगा देती हूँ। नहीं, नहीं। क्यों? तुम्हारी काली काली जुल्फे देख रही तो मैंने प्रपोज किया था तुम्हें। रुक्मिणी वो तो बीते हुए जमाने की बातें थी जिनकी सिर्फ यादें आती हैं, मगर वो जमाना लौट कर वापस नहीं आता है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है जैसे कली की बात हो। मैं तो आज भी वैसी हूँ जैसे तब थी,
आज भी उतनी जवान हूँ जैसे तब थी। ताना मार रही है गोपाल जी तुम्हें, ताना। बदले बदले तो आप नजर आते हैं मुझे। अच्छा मेरी तरफ गौर से देखो और सच्चे मन से कहना कि अगर मैं और जूली साथ साथ खड़े रहें तो भला कोई कह सकेगा कि मैं जवान नहीं हूं। तुम सही कह रही हो, दरअसल असर तो मुझ पर हुआ है, बदल तो मैं गया हूँ। तुम तो अब भी वैसी की वैसी दिख रही हो जैसे 20 साल पहले दिखती थी, लेकिन मैं ही समय के साथ में खिंचता घसीटता सफेद हो गया हूँ। नहीं मेरा मतलब है कि आगे निकल गया हूँ। नहीं डार्लिंग नहीं, मुझे तो वही गोपाल जी चाहिए, बस वही। नहीं हो सकता। क्यों, ये हक है मेरा, मैं बीवी हूँ आपकी। मैंने तो गोपाल जी के उस रूप से शादी की थी, इस रूप से नहीं। अपना सब कुछ दे डाला उस रूप को, इस रूप को नहीं। प्लीज बन जाइए ना पहले वाले गोपाल जी, प्लीज। याने इंडायरेक्टली इसने मुझे कह दिया है कि इसे मेरे सफेद बालों वाले रूप से नफरत है। अब ये क्या करेगी, डिवोर्स देगी या मेरा गला काट कर फेंक देगी? इस तरह पेश आई है जी कल रात को? हाँ टीटू, सारी रात छत पे ठंड में ठिठुरते रहे मगर नीचे नहीं आए। Now this is really serious problem, दीदी। मैं जानती हूँ वो मुझे तलाक देना चाहते और उस जूली से शादी करना चाहते। अब उस चुलबुले के सामने मैं तो बुड्ढी लगती हूँ ना। वो तो है पर उसको क्या कर सकते हैं? मैंने भी फैसला कर लिया है। क्या? खुदकुशी। दीदी। हाँ दीदी। मर जाऊंगी दीदी, जान दे दूंगी अपनी दीदी, उनके सामने मर जाऊंगी दीदी। छोड़ दे मुझे। दीदी क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया? अपनी छुरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, लाश गिरेगी लाश, दूसरी शादी करने के लिए लाश पर से गुजरना। मार दो, अरे ये जिल्लत की जिंदगी जीने से तो मौत बेहतर है। मार दो मुझे, रुको नहीं, लो मारो, मारो मुझे, मार दो दीदी, मार दो। क्या ये सफेद बाल तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मतलब? अरे इतने काले बालों में थोड़े सफेद बाल कैसे लग रहे मालूम? कैसे? जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा। नहीं रुक्मणी तुम्हें ये सफेद बाल ये पसंद है? और नहीं तो क्या। अरे ये तो मैच्योरिटी की निशानी है, अब इनकी हरकतों से तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सफेद बाल देखकर लोगों को गलतफहमी तो हो जाएगी कि आप मैच्योर हो। कमाल है रुक्मणी, तुम्हें खुशी हो रही है ये सफेद बालों को देख के? खुशी? मैंने तो भगवान से मन्नत मांगी थी कि जल्दी मेरे पति को मैच्योर कर दो। अच्छा? Thank God. तुम्हें पता है मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। अच्छा क्या समझा था? अरे मुझे लगा था कि ये क्या 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 क्या। अच्छा सुनो सुनो, तुम मुझे डिवोर्स तो नहीं करोगे ना? अगर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा। सच बात तो ये है रुक्मिणी के I love you रुक्मिणी। क्या हुआ? चिट्टू।